तो दोस्तों आज माँ कामाख्या का दर्शन करने जा रहा हूँ, पूजा देने भी जा रहा हूँ। मंदिर जाने का प्रवेश द्वार, मंदिर के अंदर चारों तरफ फ्री वाईफाई सिस्टम चालू हुआ है। शायद साउथ इंडिया जैसा मंदिर में जाने से पहले जो फोटो खींचवा के टोकन देता है वो अभी देगा। मुर्गो देख के मुर्गा बनाता है। अब जितना पैसा आप लोगों से ऐड सकते हैं उस हिसाब से पैसा देगा। जैसे माँ कामाख्या का भी दर्शन कर लीजिए, माँ सबका भला करेगा। कामाख्या मंदिर के एकदम ऊपर जो व्यू पॉइंट से मेरे पीछे ही जो मंदिर है आपको दिखाए थे वो मंदिर को पीछे ही जगह का नज़ारे मैं दिखाता हूँ। रुकिए, ये देखिए हम लोग जा रहे हैं माँ बगला के मंदिर। ये सीढ़ी से उतर के फिर उधर एक मंदिर है। तो दोस्तों आज माँ कामाख्या का दर्शन करने जा रहा हूँ, पूजा देने भी जा रहा हूँ। तो कल इसी रोड से गए थे हम लोग, तो आज भी इसी रोड से जा रहे हैं। पूजा देंगे पहले, उसके बाद ऊपर दो मंदिर है और एक मज़ेदार व्यू पॉइंट भी है जो मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। उधर भी हम लोग जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। पहले जाते हैं माँ कामाख्या मंदिर। उधर पीछे मैंने बाइक पार्किंग करके रखा है एक फ्लैट के नीचे, तो बिना झंझट वाला पार्किंग करके रखा हूँ जैसे कोई हेडिंग नीते ना है। तो एखन सीढ़ी दिए उठे ही हम लोगों को जाना पड़ेगा माँ कामाख्या पूजा देने के लिए। तो अभी पहले प्रसाद खरीदेंगे, उसके बाद जाएंगे। देखते हैं, बहुत दिनों बाद इधर आए हैं, कैसा कुछ नियम इधर चेंज हुआ है तो देखेंगे। यह है माँ कामाख्या मंदिर जाने का प्रवेश द्वार। पहले शायद बाई तरफ जाएंगे प्रसाद खरीदने के लिए। तो हम लोगों ने प्रसाद खरीद लिए, अभी जाएंगे पूजा देने के लिए। मैं और मौसा जी आए हैं। चलो, अभी सुबह सुबह आए माँ को पूजा भेंट चढ़ाने के लिए। तो जा रहे हैं लाल पे। अंदर आते हुए ही दाएं तरफ ले लेना होगा आपको। मंदिर के अंदर चारों तरफ फ्री वाईफाई मिलता है। एंटर करते ही दाएं तरफ ले लेना है, तो इधर बहुत ज्यादा लाइन है। इधर पेट फ्री दोनों ही सर्विस है। दोस्तों पूजा देने के लिए लाइन पीछे से जाना पड़ेगा हम लोगों को, अभी पीछे जाके उधर लाइन में लगना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसा नियम चालू हुआ है इधर। तो अभी नया सिस्टम चालू हुआ है। शायद साउथ इंडिया जैसा मंदिर में जाने से पहले जो फोटो खींचवा के टोकन देता है वो अभी देगा, लेकिन पैसे नहीं चार्ज कर रहा है, नाम और फोटो दोनों ही बोलना पड़ेगा। देखिए इधर से फोटो खींच के फिर देगा टोकन, ऐसा दिखने में मिलेगा टोकन। तो दोस्तों अभी माँ कामाख्या मंदिर में कुछ ऐसा सिस्टम चालू हुआ है, टोकन देने के बाद तीन या चार पिंजरा होगा, शायद एक खाली होगा, उसके बाद एक भरेगा एक छोड़ेगा, ऐसा करके होगा। ऐसा नियम साउथ इंडिया में मैंने देख के आया है। तो ये देखिए मेरा टोकन ऐसा दिया है, और ये देखिए दीपक इधर नाम भी ठीक तरह से नहीं लिखता है टोकन पे, सिर्फ फोटो वगैरह देता है। हमारे पिंजरा खोल दिया, ये दूसरा पिंजरा है, सब लोग बैठे हुए हैं।
धीरे धीरे हम लोगों को लेके जा रहा है मंदिर की तरफ, पर इधर से बहुत दूर है। वो जो प्रीमियम कस्टमर है, जो ज़्यादा पैसे दे के पहले दर्शन करके चले जाएगा, उन लोगों को पहले छोड़ दे रहा है। तो हम लोग थोड़े थोड़े करके, धीमे धीमे करके जा रहे हैं। ये देखिए, बहुत देर से बैठा हूँ इधर, और इधर भी सब लोग बैठे हुए हैं। पहले इस तालाब में नहाने देता था, पर अब इसमें नहाने नहीं देता है। अगर दोस्तों आप लोग पैसे दे के जल्दी दर्शन करना चाहते हो, तो वो जो पांडा लोग हैं उन लोगों के साथ आप लोग बातचीत कर सकते हो। और दोस्तों इधर कोई फिक्स्ड पैसा नहीं है, 100, 200 या 300 रुपये लेके आपको जल्दी दर्शन करवा के छोड़ देगा। इधर मुंह देख के मुर्गा बनाता है, अब जितना पैसा आप लोगों से ऐड सकता है उस हिसाब से पैसा लेगा, चार्ज करेगा। 500 भी ले सकता है, 1000 भी ले सकता है। ये देखिए, हम लोग सब पिंजरे में बंद है, क्योंकि हम लोग बिना पैसे वाला दर्शन करने जा रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग पिंजरे में बंद है। पैसे पैसे पैसे, भगवान के सामने भी पैसे, हर जगह पैसे का खेल चलता है। आप लोग पैसे दे के दर्शन करना चाहते हो तो बार्गिन भी कर सकते हो इधर। तो ये देखिए माँ कामाख्या मंदिर, ऊपर से हम लोगों जो बड़ा वाला टीला है उनके अंदर जाएंगे, उनके अंदर माँ विराजमान है। इधर से बाई तरफ इधर बलि देता है। इधर से दो भागों में बट जाता है, दाई तरफ प्रीमियम कस्टमर, जो पांडा लोग हैं उन लोगों के लिए तो कस्टमर ही है ना, तो प्रीमियम दर्शनार्थी दाई तरफ से जाएगा, और हम लोग बाई तरफ उधर छोटा सा एक गेट है उधर से अंदर घुसा देता है प्रीमियम कस्टमर लोगों को। तो इस वजह से दो भागों में। तो दोस्तों हम लोग जो अभी पूजा देना हो बाहर आके, इसके अंदर ये देखिए ऐसे रखेगा, उसके बाद आप लोगों को मेन मंदिर में प्रवेश करवाएगा। तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं किए, वो हमारे श्रद्धा का विषय है, तो इस वजह से जहाँ पर मना है तो वीडियो नहीं किए। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं दाई तरफ। तो हमारा पूजा कंप्लीट हो गया फाइनली, फिर ये पूजा देखे आगे बाहर निकल के आगे हैं। लगभग 3 से 4 घंटे लगे पूजा देने के लिए, 4 घंटे से ज़्यादा, 4-5 घंटे लग गया है। तो अभी थोड़ा सा इधर बैठे थे, थोड़ा सा फोटो सेशन करेंगे, उसके बाद जाएंगे एक दूसरे मंदिर पे जहाँ पर व्यू पॉइंट है, पहले वो मंदिर जाएंगे, उसके बाद बीच में और एक मंदिर है वो मंदिर दर्शन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जो लोग माँ कामाख्या मंदिर दर्शन करने आएगा सोच रहा था। तो दोस्तों फटाक से एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और दोस्तों इधर से माँ कामाख्या का भी दर्शन कर लीजिए, माँ सबका भला करेगा। ये दोस्तों मंदिर के पिछले तरफ है, ये मेन मंदिर है, ये मंदिर के भीतर ही माँ विराजमान है। तो ये मंदिर का पिछला वाला हिस्सा है, कुछ ऐसे है दिखाई देता है चारों तरफ।
सब लोग फोटो शूट कर रहा है, हम लोग भी करेंगे फोटो शूट ऊपर जाके। ये पहले वीडियो शूट कर लेते हैं। ये देखिए सब लोग फोटो शूट कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, सामने से ऐसा देखने को मिलेगा आपको। अगर दोस्तों आप लोग पांडा के हिसाब से ज़्यादा पैसे देते हो तो ये जो दाएं तरफ एक गेट है, इन गेट से आपको घुसा देगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। लगभग 1,000 या 1,500 रुपये एक एक पर्सन का चार्ज करेगा शायद, ऐसा सुना ही दिया। तो इधर आके आप लोग अगरबत्ती दिया जला सकते हो, मंदिर के भीतर बाहर किधर भी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ऐसे जला के आप लोग छोड़ के चले जाओ, सिर्फ उस जगह पे ही होगा। दोस्तों अगर आप लोग फ्री में प्रसाद लेना चाहते हो तो इधर आके आप लोग कूपन कोड ले सकते हो। दोपहर के 2 या 3 बजे तक ये कूपन कोड देता है प्रसाद के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग कामाख्या टेम्पल में पूजा दे के अभी आए। भुवनेश्वरी टेम्पल एकदम टॉप पे है, इधर कामाख्या वेस्ट व्यू पॉइंट से स्थित है। जो कल मैंने वीडियो बनाए थे उसमें मैं व्यू पॉइंट में आए थे, कुछ ही दूर बाद ये जो टेम्पल है, और बीच में और एक टेम्पल है, मैं बाद में इस टेम्पल होते हुए फिर नीचे जाऊंगा तो आपको भी दिखाऊंगा। तो ये है टेम्पल का एंट्रेंस, भुवनेश्वरी टेम्पल। अभी नए सिरे से ये जो मेन गेट है रिनोग्रेट कर रहा है, बनके अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखते हैं। ऊपर आते ही आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अभी शायद कुछ अनुष्ठान के लिए शायद बाई तरफ पेंडल का काम चल रहा है। तो दोस्तों मंदिर के अंदर वीडियो शूट करना मना है, फोटो भी खींचना मना है, फिर भी मैंने दो फोटो खींचे आपको दिखाने के लिए। दोस्तों अभी जो मंदिर में आए हैं, माँ कामाख्या मंदिर के एकदम ऊपर जो व्यू पॉइंट से, उधर से नज़ारे को व्यू बहुत बहुत ही मस्त लग रहा है, एकदम फटाफटी लगे व्यू। हमें तो बुझते पारी नहीं जे एखान थेके एतो सुंदर व्यू लगे, कारण मंदिरटा देखो हमारे ठीक पीछे, मेरे पीछे ही जो मंदिर है आपको दिखाए थे, वो मंदिर के इस पीछे ही जगह का नज़ारे मैं दिखाता हूँ। रुकिए ये देखिए, कैमरा से तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन खुले आंखों से तो मस्त लग रहा है, बिल्कुल वाह वाह, कोई शब्द नहीं है इस नज़ारे को, जुबा से बयान नहीं कर पाऊँगा, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी शायद उधर कोई ब्रिज का निर्माण काम चल रहा है, लेकिन इधर से गुवाहाटी शहर का नज़ारा भी बहुत ही मस्त लग रहा है। अभी भी धुंधला लग रहा है क्योंकि ठंड के मौसम में ओस गिर रहा है, ठंड भी है और धूल भरी या क्या भरी पता नहीं, लेकिन जगह का नज़ारा देखिए बहुत बहुत। ये जो मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे ही ये नज़ारे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कामाख्या मंदिर आते हो तो प्लीज़ इस जगह भी विजिट कीजिए, मंदिर के पीछे भी ये सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के पास ही एकदम है, बहुत बहुत मज़ेदार लग रहा है, बहुत मज़ेदार। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं माँ बगला के मंदिर, ये सीढ़ी से उतर के फिर उधर एक मंदिर है, उधर जाना पड़ेगा। ये मंदिर जो माँ कामाख्या मंदिर है, और जो हम लोग वो जो गए थे मंदिर ऊपर वाले, वो मंदिर के बीचों बीच कामाख्या मंदिर से लगभग 100 मीटर या 200 मीटर मंदिर पड़ेगा माँ बगला का मंदिर। ये बहुत ही अच्छे से जगह के ऊपर है,
अगर आप लोग आते हो तो ये मंदिर एक बार ज़रूर घूम के आइएगा, बहुत ही अच्छा सा मंदिर है और इधर का लोग भी बहुत ही अच्छा है। माँ बगोला देवी का मंदिर और जो मंदिर बनाया गया है ना वो जगह बहुत ही खूबसूरत है, ऊपर वाला और बीच वाला पहले से ही था मंदिर जो माँ कामाख्या मंदिर है, ये दोनों उसके बाद बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत जगह के ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। मंदिर के अंदर जाने से पहले कुछ तस्वीर खींच लेते हैं क्योंकि अगर मंदिर के भीतर तस्वीर लेने नहीं देगा तो। दोस्तों कुछ तस्वीर खींचे हैं, अगर आप लोग आते हो तो ये दोनों मंदिर ज़रूर घूम के जाइएगा, अच्छा लगेगा आपको। ये सीढ़ी के सामने तस्वीर खींचे हैं और ये मंदिर के सामने।